12% ही उनका सर्टिफिकेट डिग्री वो सब डोमेन नॉलेज था, वो सिर्फ 12.5% था। अब इसका उल्टा देखते हैं कि जो कॉमन पीपल है, आप सभी को ये लगता है कि कॉमन पीपल ने बिल्कुल इससे उल्टा किया होगा, स्कूल में ज्यादा डाला होगा, क्योंकि अगर स्कूल में ज्यादा नहीं डाला होता तो वो भी उसके पास सफलता की द्वारा वही लाइन में लगे होते। तो कॉमन पीपल में 100,000 लोगों को ऐसा पूछा गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये सर्वे से करने से पता चला, 100,000 लोगों को ऐसा पूछा गया कॉमन लोगों को कि आपने स्कूल में कितना परसेंटेज डाला था, तो आपके अंदाजे से क्या होगा, इससे उल्टा हुआ होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि अब मैं अकेला समझ रहा हूँ? हेलो, आर यू हियर? सब लोग यहाँ हो फिजिकली मेंटली? अच्छा, आपको फिजिकली भी यहाँ होना है और मेंटली भी होना है। कुछ लोग है ना यहाँ बैठे है पर दिमाग यहाँ नहीं है, दिल यहाँ नहीं है, बॉडी यहाँ है। अरे यार, घर छोड़ के आया हूँ, अभी खाना बनाना है, अभी धंधा छोड़ के आया हूँ, अभी दुकान छोड़ के आया हूँ, अभी ऐसे सब खुला छोड़ के आया हूँ। पर कुछ तो आपकी जिंदगी में आप कुछ नया डालने के लिए आपको कुछ रोकना पड़ेगा, तो आपका फिजिकली मेंटली यहाँ होना जरूरी है। आर यू हियर? यस। हाँ, अभी कुछ 50 लोग है ना थोड़े जागे हैं, है ना। एक बार एक और चांस देता हूँ। आर यू हियर? यस। अगर आप मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहेंगे तो कुछ बातें दिमाग में जाएगी, क्योंकि ये नया टाइप का नॉलेज है। इसमें आपको मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहेंगे तो एम्पैथिक लिसनर बनेंगे। कान सुनते हैं, माइंड ऑब्जर्व करता है। जरूरी नहीं कि कान जो सुने वो सभी चीज माइंड ऑब्जर्व करे। चलो मैं एक और उदाहरण तरफ, आप में से कितने लोग फिजिकली यहाँ है? देखो, मैंने अभी कहा फिजिकली और मेंटली रहना है, तो है ना। मैंने ऐसा ही कहा कि फिजिकली यहाँ है। चल, ये मजाक था, बताना चाहता है। चलो, इस बात से भी आप लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इधर आना शुरू होते। चलो, मेन बात के ऊपर आते हैं कि कॉमन पीपल को ऐसा पूछा गया कि आपने कितना परसेंटेज स्कूलिंग और स्किलिंग में डाला, तो इससे बिल्कुल विपरीत परिणाम आया। 100,000 लोगों से पूछा गया तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने 92-94% स्कूलिंग में डाला था, मतलब स्टडी, पढ़ाई, और पूरी जिंदगी वो करते रहे, और 6% और उससे कम स्किल में डाला था। जब वो ग्रेजुएशन करके बाहर आए तब उनके अंदर जो दुनियादारी का जो चाहिए वो चीज नहीं था। आप सभी ने नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा, इंफोसिस कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति। उनकी कंपनी में कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, उनकी कंपनी को 10 बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन से कहा कि आपके जो बहुत अच्छे पर्सन है ना वैसे 10 लोगों को भेजो। तो वो एसोसिएशन ने क्या किया, पूरे इंडिया में से जो 10 गोल्ड मेडालिस्ट थे ना, वो 10 गोल्ड मेडालिस्ट को उस कंपनी में भेजा और जॉब के लिए। अब वो सभी 10 गोल्ड मेडालिस्ट थे ना, वो सभी लोगों में से 6 महीने में 9 लोगों को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 9 लोगों के पास वो गोल्ड मेडल था, वो सर्टी था, पर वो कन्विंसिंग पावर, वो स्किल, पब्लिक रिलेशन, मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है, जिंदगी में सफलता उसको मिलती है जो अपने स्कूल के साथ साथ स्किल में भी डेवलप हो। अब बताए मैं रहा हूं कि अब बच्चों को हमने अपना भविष्य तो बना दिया, पर हमारा भविष्य हमारे आसपास ही होता है। डू यू एग्री विद मी? अब हमने जो किया उससे हमें सफलता नहीं मिली, वही काम करने का अगर हम बच्चों को सलाह देंगे तो क्या आने वाले 15 साल के बाद दुनिया वैसी की वैसी रहने वाली है? आज से 15 साल पहले जो चला जरूरी नहीं कि आने वाले 15 साल के बाद भी वो चलने वाला है, क्योंकि दुनिया आने वाले हर 15 मिनट में बदल रही है। और इस बदलती दुनिया में अगर आपने वो नहीं सीखा जो आने वाले 15 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आने वाला है, तो आपके बच्चे सर्टिफिकेट वाले होंगे पर स्किल वाले नहीं बनेंगे। अब स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में एक नॉर्मल बच्चे के ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और जो दुनिया में 95% लोग है ना वो राइट लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होते हैं। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो अपना लेफ्ट ब्रेन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो अपना राइट ब्रेन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। चलो यहाँ एक छोटा सा सर्वे करते हैं, आप में से कितने लोग जो राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड ऊपर करें? मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग। आप में से कितने लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट हैंड ऊपर करें? मतलब सिर्फ गुने चुने 5% या 10% लोग। इसका मतलब ये है कि ये लोग कुदरती रूप से राइट ब्रेन का उपयोग
करते हैं पर उनको उसका उपयोग करना कैसे है वो आता नहीं है। जो लोग राइट ब्रेन का उपयोग करते हैं ना वो क्रिएटिव पर्सनालिटी होते हैं, और जो लोग लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं ना वो लॉजिकल पर्सनालिटी होते हैं, पर जो दोनों का उपयोग करते हैं ना वो जीनियस पर्सनालिटी होते हैं। और कुछ लोग गॉड गिफ्टेड जीनियस होते हैं और कुछ लोग को अपने ये जीनियस से कल्टीवेट करना पड़ता है। ओके, कहा जाता है कि जो पर्सन लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस कर देता है वो कोई भी चीज को बहुत आसानी से याद रख सकता है और उसको क्रिएटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकता है। 12वीं सदी में एक पर्सन हो गए जिन्होंने अपने लेफ्ट और राइट दोनों को बैलेंस करके अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन मतलब इतना हो गया जिसका दोनों बैलेंस था और वो क्रिएटिव भी थे और कहते हैं ना वो लॉजिकल ब्रेन भी बहुत अच्छा चलाते थे। तो वो पर्सन का नाम किसी को पता है, वो 16 कला में निपुण था, वो बहुत अच्छा पेंटर था, वो बहुत अच्छा जज था, वो बहुत अच्छा लॉयर था, वो बहुत अच्छा कहते हैं भूस्तर शास्त्री था, जियोलॉजिकल नॉलेज था, उसको तारों के बारे में भी ज्ञान था, वो वैज्ञानिक भी था, वो अच्छा सा अच्छा। किसी को इसके बारे में पता है? तुम्हें पता है शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन, नहीं वो पेंटर नहीं थे, नहीं वो भी पेंटर नहीं थे, आर्यभट्ट वो पेंटर नहीं थे, वो 16 कला में निपुण था, मुझे पता है। ओके, वो 16 कला में निपुण था। अच्छा, दुनिया का जग मशहूर चित्र कौन है वो पता है? ओके, मोनालिसा। और मोनालिसा का पेंटिंग किसने ड्रॉ किया था? लियोनार्डो दा विंची। अच्छा है, आपको तो ये नाम है याद रहता है, मुझे तो ये भी याद नहीं रहता था। तो लियोनार्डो दा विंची है ना, वो 16 कला में निपुण था। कहा जाता है वो इतना लॉजिकल पावर भी था साथ साथ में क्रिएटिव पर्सन भी था। हमारे इंडिया में भी एक ऐसे पर्सन हो गए जिनकी याद शक्ति के बहुत बड़े मतलब लोग जानते हैं उसकी याद शक्ति के बारे में। कहते हैं एक पेज पढ़ते थे तो पूरा का पूरा पेज याद रह जाता था। किसी को पता है? स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने अपनी संस्कृति के बारे में और वेदांत के बारे में उनका प्रवचन किया और उनका प्रचार किया। अब मैं ये कहता हूं कि उनके भी कुदरती रूप से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस थे। अब एक ऐसी रिसर्च पद्धति आई है कि जिससे आप अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस